उन्हें ये क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं? भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं, बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। पूरा सदन अमृत काल के बजट की चर्चा कर रहा है, मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है? कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों बार थपथपाई गई मेज के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया और बड़े बड़े दावे किए गए। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। मैम, पूरा सदन अमृत काल के बजट की चर्चा कर रहा है, मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं इस बजट को अमीरों का, अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा। इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस किए गए, पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए? कैसे संभव है? मैं सदन में खड़ा होकर के इस बजट पे चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है? उनके लिए क्या है जो प्रधानमंत्री के किए गए वायदों की बाट जोह रहे हैं? हर साल फरवरी की खूबसूरत सुबह और सजी हुई संसद से बरसते हुए झूठे वायदों की जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन बताएगा कि 2022 में प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे, उसका क्या हुआ? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं, बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। मैम, मैं आंकड़ों की बाजीगरी से अलग हट करके इस बजट पर एक बात कहना चाहता हूं। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के, ये कह रहे हैं 4 करोड़, वित्त मंत्री जी 3 करोड़ कहती हैं, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं। पहले तो आप इस झूठ में ही, आपस में ही सलट लीजिए कि 4 करोड़ सही है या 3 करोड़ सही है। मैं आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के मैम कि जो सुने वो बस पथराई आंखें लेकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। लेकिन झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मैम, रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की MSP की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्रेजरी बेंच के साथ ही हंगामा कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं मैम, वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए, नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पर समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि एक मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है।
अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। इन्होंने वायदे किए बड़े बड़े, जो 10 साल के इनके वायदे हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा, वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल डीजल गैस ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। मैम मैम ये सरकार झूठ की सरकार है, ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने बंद कर दी, आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट घटा दिया। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी आंखें हाथरस से लेके कठुआ से लेकर के और देश की जंतर मंतर की सड़क वो देख रहे हैं जब हमारी ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को प्रधानमंत्री की चौखट पे अपना मेडल रख देना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। मैम कृषि विकास दर जो 2014 में 4.6% थी, इस वर्ष गिरकर 1.8 कैसे हो गई। क्यों हर दिन 31 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, ये सरकार उन पर क्यों बात नहीं करती। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं यहां पर आपसे खड़ा होकर के मैं अंत में इतना कहना चाह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ने बजट में ट्रेनों के डिब्बे को वंदे भारत कोच में बदलने का एक प्रस्ताव रखा अपने भाषण में। ठीक है, ये सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैम ये सरकार ट्रेनों की सुरक्षा के बुनियादी मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती। बालासोर हादसे में घायल हुए लोगों की चिता की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है। वंदे भारत के वीडियो पोस्ट करने वाली ये सरकार कभी भारत की जनरल डिब्बों की, रेलवे के स्लीपर क्लास डिब्बों की वीडियो अगर पोस्ट करे ट्विटर पे तब समझ में आए। बिहार से, इलाहाबाद से, लखनऊ से दिल्ली आने वाली, मुंबई जाने वाली ट्रेनें देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये वही ट्रेनें हैं। आज स्थिति ये है कि रेलवे स्टेशन तो छोड़िए, रनवे पर खाना खिला रही हैं आपकी प्राइवेट एयरलाइंस। अभी आपने जुर्माना लगाया है, नोटिस दिया है एक एयरलाइंस को, यह स्थिति आपने करके रख दी है ट्रेनों की, एयरलाइंस की। ऐसे में मैम कागजों पर तो आप कितना भी वंदे भारत और बुलेट ट्रेन सरपट दौड़ा लीजिए, लेकिन असल में भारत की ट्रेनों की डिब्बों की सवारियों की हालत देखने लायक है। अगर सरकार खुली आंखों से उसे देखना चाहे तो देखे और उनकी स्थिति सुधारे। आज अपने प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यहां खड़े होकर कई बार न्यू मिडिल क्लास की बड़ी चर्चा की, न्यू मिडिल क्लास जनरेट करेंगे, लेकिन मैं तो यहां खड़ा होकर के सरकार से कहना चाहता हूं कि न्यू मिडिल क्लास का जुमला अपने पास रखिए, यह बताइए कि जो पुराना मिडिल क्लास है उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आज उसकी स्थिति क्या है। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते, आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं, मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, वो पुराने दिन जो बहुत अच्छे थे, वो पुराने दिन जहां लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे। मैम इलाहाबाद दिल्ली कोटा जैसे शहरों में छोटे छोटे कमरों में अभावों के साथ पढ़ाई कर रहे युवा किताबों के साथ गल चुके हैं, उनके हिस्से अधेड़ अवस्था तो आई है लेकिन नौकरी और रोजगार नहीं आया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार
10 साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर, और 2024 में देश देखेगा कि उन्हीं 20 करोड़ नौकरियों के बोझ तले दबकर बैठ जाएगी यह सरकार, यह देश देखेगा। क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का युवा नाराज है, देश का युवा गुस्से में है। ऐसे में उसकी पीड़ा को इस बजट में कहीं भी आवाज़ देने की कोशिश नहीं की गई। मैं आपके बीच खड़ा हूं, मैं तो वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। ये कहा जा रहा था ये अमृत काल का बजट है, ये अमृत काल का बजट है। ये कौन सा बजट है ये बाद में तय होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये इस सरकार का अंतिम बजट है, आखिरी बजट है। इसके बाद न्याय का बजट पेश होगा, जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी पूरे देश में कर रहे हैं। न्याय का बजट, पांच न्याय, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सामाजिक न्याय की बात जिसकी चर्चा पूरे देश में जाकर राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो न्याय का बजट पेश होगा अगली बार। ये इस सरकार का अंतिम बजट है, अंतिम बजट है। अमृतकाल में गरीबों की रोटी और दाल के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।